गाजीपुर से आदित्य कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। भरी महफिल में बेआबरू हुए सीएम के बगल में कुर्सी पर बैठने को लेकर एक दूसरे को गिरते गिराते नजर आए दो नेता। लखनऊ। कभी कभी सोशल मीडिया पर आम जनमानस के जब कोई वीडियो वायरल होते हैं तो खूब चर्चा का विषय होता है, लेकिन वही जब किसी नेता, मंत्री और वीडियो का वायरल होता है तो एक राजनीतिक मंच भी तैयार हो जाता है, जिस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें योगी सरकार के दो मुस्लिम नेता कुर्सी के लिए गिरते गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो लखनऊ के राजभवन का है, जहां शामिल होने के लिए सीएम योगी, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और अन्य मंत्री पहुंचे थे। इस मंच पर बृजेश पाठक के बगल में मंत्री दानिश आजाद बैठने ही वाले थे, लेकिन उन्हें एमएलसी और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने रोक दिया। मोहसिन रजा उन्हें हटाकर खुद बैठने लगे और बैठ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बात करें वायरल वीडियो की तो वीडियो में यह दिख रहा है कि डिप्टी सीएम पाठक के बगल की कुर्सी दानिश आजाद बैठने जा रहे थे, तभी अचानक मोहसिन रजा जल्दीबाजी में आते हैं और वह दानिश का हाथ पकड़कर उनको बगल वाली कुर्सी में बैठने के लिए कहते हैं। मोहसिन रजा 3 से 4 बार इशारा करते हैं। पहले तो दानिश कुछ देर तक उनकी तरफ देखते हैं, फिर वह बगल वाली कुर्सी में शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि मोहसिन खुद डिप्टी सीएम पाठक के बगल वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं। इस दौरान मंच पर सीएम योगी भी बैठे हुए नजर आए। वही वीडियो वायरल होने के बाद मोहसिन रजा ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ खास बात नहीं है, डिप्टी सीएम से बात कर रहा था इसलिए वही बैठ गया, इसके अलावा वहां पर कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था, जल्दीबाजी में यह हुआ है। दानिश आजाद भी इस बात से सहमत थे तो वह बगल वाली सीट पर बैठ गए। वही जब मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कुछ कहने जैसी बात ही नहीं है, अब इस पर क्या बोला जाए, यह ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिस पर चर्चा, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं